सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा, अधूरे सपनों को नया रंग मिलेगा, हारे को यहाँ नया उमंग मिलेगा, आपकी ही सफलता इतिहास रचेगी, घर दूर भी हो मंजिल रास्ता सा लगेगा, होगा हर सपना आपका यहाँ मालामाल, होगा हर सपना आपका यहाँ मालामाल, होगा आपका सारा जहाँ, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो आसमां, छू लो सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो छूलो आसमां में। और आज की शुरुआत देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स गुजरात से हैं। गुजरात का नाम आते ही गरबा और उस नृत्य पे थिरकते हुए हमारे भाई बहने हमें याद आ जाते हैं। कोई कैसा भी हो, कहीं का भी हो, जब गरबा का गीत बजता है तो लोग झूमना तो शुरू ही कर देते हैं, जैसे मैंने भी शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे ठीक से नहीं आता, लेकिन मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। गुजरात सचमुच एक ऐसा प्रदेश हमारे देश का जो बहुत ही समृद्ध है, जिसकी याद आते ही वहाँ कच्छ का रण या फिर भगवान सोमनाथ का मंदिर, और साथ साथ वहाँ की जो विरासत है सचमुच बहुत ही संपन्न है। तो मित्रों, आइए गुजरात के आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे परिचित होते हैं और आज के स्पिरिचुअल क्विज शो की शुरुआत करते हैं। टीम सत्यम। Hi everyone, my name is Renu Gupta. I have studied Masters in Computer Engineering. Nowadays, I am working as a lecturer in Government College. Hello everyone, my name is Akash Patel. I am a Mechanical Engineer and currently working in a Transformer and a Rectifier India Limited. Shiva. Hello everyone, I am Drishti Patel and I am studying MCA from Ahmedabad University. Hi all, I am Sharma Shivam, pursuing Mechanical Engineering at Vishwakarma College. Hello everyone, my name is Charmin Chauhan and I have done MBA in HR and right now I am working as a management trainee in Malacron India Private Limited. Kem cho bada majama, I am Janil Parekh from Ahmedabad, Gujarat and right now I am doing BE in Electrical Engineering
फ्रॉम अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे आज के स्पिरिचुअल प्री शो में। आप लोग खास गुजरात से आज हमारे बीच आए हैं, गुजरात की खुशबू लेकर के आए हैं, बड़े आनंद के साथ आए, गरबा करते करते आए होंगे ट्रेन में भी, राइट? वैसे हम सुनते रहते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, राइट? तो यदि हम गुजरात आए तो आप हमें कहाँ कहाँ लेके चलेंगे? द्वारका। द्वारका लेके चलेंगे, जी जी, चलिए द्वारकाधीश के हमें दर्शन होंगे। शिवम। सोमनाथ, पावागढ़, अंबाजी, काफी सारी जगह है। काफी सारी जगह है, बहुत सुंदर। सुंदरा। पावागढ़ जी, अंबाजी, चोटिला। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। कच्छ का रण भी हमने सुना है कि बहुत ही फेमस है, तो हमें कितने दिन चाहिए यदि हम गुजरात को पूरा देखना चाहते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो? और अगर आप आएंगे तो आप जाएंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम भी चाहेंगे कि हम वहीं आए, वहीं रहें और साथ ही रोज ही हम गरबा का आनंद लें। सचमुच बहुत अच्छा लगता है, हमारा देश विविधता का देश है और साथ ही जब इस प्रकार की विविधताएं रहती हैं तो सचमुच बेहद आनंद आता है। और खास वहाँ खाने की चीजें भी तो बहुत मशहूर है, मैंने खाखरा, ढोकला, सूरत में लोचो, अरे लोचो बहुत अच्छा। तो आप लोग कुछ वहाँ से लेके आए हैं या नहीं आए हमारे लिए? कुछ स्वीट लेकर के आए हैं। वाह, बहुत सुंदर, स्वागत है आप लोगों का। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग गुजरात से कुछ खास लेकर के आए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन। और दर्शकों देखिए, गुजरात से गुलाब जामुन आया हुआ है, आप सब भी इसे जरूर स्वीकार करें। और मैं बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। मजा आ गया, वाह क्या बात है। मित्रों, गुजरात के हमारे भाई बहने बहुत मीठे होते हैं, खाने में भी मीठा मीठा, बोलने में भी मीठा मीठा। सचमुच उनकी बोली भी ऐसी लगती है कि जैसे वो गीत गा रहे हों। तो ये मिठास उनके रग रग में समाया हुआ है और उनको देख करके और उनकी बातें सुन करके ऐसे लगता है, कबीरदास जी की वो बात याद आ जाती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो सचमुच ऐसी वाणी हम बोले कि जिससे ना शीतलता होती चले, और ये भी बहुत बड़ा मूल्य है मित्रों, वाणी का अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पहला राउंड है वो मूल्यों पर ही आधारित है, और यदि वाणी में मधुरता है, शीतलता है, दूसरों को सुख देने की बात है, तो सचमुच जीवन बड़ा सरल और सुंदर हो जाता है। तो आइए अपना पहला राउंड अपने इन पार्टिसिपेंट्स के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम है मेरे मूल्य मेरी पहचान। तैयार हैं आप लोग इस राउंड के लिए? यस सर। चलिए मूल्यों की सुंदर बात अब इस राउंड में हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके नियम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस राउंड में हर एक टीम से तीन तीन सवाल पूछे जाएंगे, यदि आप सही जवाब देते हैं तो आपको 20 गुण की प्राप्ति होगी, लेकिन हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। यदि आप 10 सेकेंड में जवाब नहीं देते हैं तो आपका वो प्रश्न आपकी साथी टीम को पास कर दिया जाएगा, और यदि वो सही जवाब देते हैं तो उन्हें 10 गुण की प्राप्ति होगी। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप इत्मीनान से, आराम से, अच्छी तरह अपने साथी के साथ बात करके फिर जवाब तक पहुंचे, परिणाम तक पहुंचे, ऐसा हम चाहेंगे। तो तैयार हैं आप सब? चलिए पूरी खुशी के साथ, उमंग के साथ, मिठास के साथ हम इस राउंड की शुरुआत टीम सत्यम आपके साथ कर रहे हैं। आपके लिए प्रश्न रहा ये, अनुशासित लोगों पर परमात्मा के वरदानों की वर्षा होगी और पृथ्वी पर उनका ही राज्य होगा, ये शब्द किसने उच्चारण किए? आपके ऑप्शन है ए जीसस क्राइस्ट, बी गुरु गोविंद सिंह, सी महावीर स्वामी, या फिर डी गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात जीसस क्राइस्ट। यस, बिल्कुल सही जवाब टीम सत्यम, आपका शुरुआत बहुत ही खूबसूरत आपकी रही है। सही सही जवाब देके आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं। टीम शिवा, आपके लिए प्रश्न, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलो, इस वाक्य में छिपे हुए मूल्य को पहचानिए। आपके ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, बी परिश्रम, सी सहनशीलता, या डी सहानुभूति। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अर्थात ऑप्शन ए, ये टीम शिवम आपका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है परिश्रम, जो इस वाक्य से निकल के आता है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो, अर्थात
बिल्कुल अपने आप को झोंक दो, कड़ी परिश्रम करो, तब जाकर के सूरज की तरह चमकोगे, भाव इसका ये है। चलिए, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे खेल बहुत बाकी है। अगली बार के लिए आपको शुभकामनाएं। संद्रा, आप तैयार हैं? आपका प्रश्न, रिक्त स्थान को भरें। डैश सबसे सशक्त भाषा है, धीरे धीरे दुनिया आपको सुनेगी। आपके ऑप्शन है ए मौन, बी खुशी, सी सरलता या डी संतुष्टता। सरलता। सरलता सी। ये सुंदरम गलत जवाब है, इसका सही जवाब है मौन। मौन सबसे सशक्त भाषा है जिसे दुनिया जरूर सुनती है, क्योंकि मौन रह के व्यक्ति बहुत कुछ निकाल पाता है अपने अंदर से, राइट? तो बोलना ही भाषा नहीं, लेकिन मौन भी एक भाषा है और बहुत सशक्त भाषा है, ऐसा कहा जाता है। चलिए, आपको कोई गुण प्राप्त नहीं हुए हैं पहले प्रश्न के उत्तर में, लेकिन आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो हमें बहुत आगे चलना है, ठीक है? चलिए सत्यम, आपकी ओर आ रहे हैं। आपके लिए अगला प्रश्न रहा ये, जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह संवर जाता है। इस वाक्य में निहित मूल्य को पहचान। आपके ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, बी दृढ़ता, सी अंतर्मुखता या डी समता। दृढ़ता। दृढ़ता अर्थात ऑप्शन बी। क्या लगता है? सही होगा। सही होगा। ये गलत जवाब है आपका। इसका सही जवाब है अंतर्मुखता। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समर जाता है। भीतर की वो सुन पाएगा जो अंतर्मुखी रहेगा, अपने आप से बातें करेगा, अपने आप को देखेगा। कोई गुण आपको टीम सत्यम प्राप्त नहीं हो पाए हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए। टीम शिवम तैयार? जी। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आपका प्रश्न रहा ये, सदैव परोपकार करो, ये किस महापुरुष के सुवाक्य हैं? आपके ऑप्शन है ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी तुलसीदास या डी व्यास। ए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। टीम शिवम, बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं इसका सही जवाब देकर। सुंदरम, आपके लिए प्रश्न, गुड़ ना दें तो गुड़ की तरह बात तो करें, इसमें कौन सा मूल्य समाया हुआ है? आपके ऑप्शन है ए मुस्कुराहट, बी मधुरता, सी जिम्मेदारी या डी खुशी। मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। गुड़ ना दें लेकिन गुड़ की तरह बात तो करें, इसमें मूल्य कौन सा है? आपने कहा मुस्कुराहट, लेकिन ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब है मधुरता, जिसकी बात हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं। गुड़ मीठा होता है, मधुर होता है, तो भले आप गुड़ मत दो लेकिन जुबान तो अपनी मीठी रखो, अच्छी बोली बोलेंगे तो सामने वाले को तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए सुंदरम, ये भी गलत जवाब था आपका, तो कोई गुण अर्जित नहीं कर पाए हैं। निराश तो नहीं है? थोड़ा सा। कोई नहीं, निराश ना हो, हारने से व्यक्ति कई बार और भी ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है, राइट? बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के लिए आपको। सत्यम, तैयार हैं आप? यस सर। चलिए, आपका प्रश्न, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, यह कथन किस गुण से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सम्मान, बी अनुशासन, सी संतुष्टि या डी समझदारी। संतुष्टि। सी संतुष्टि। बिल्कुल सही जवाब टीम सत्यम आपका, आपने 20 गुण अर्जित कर लिए हैं सही सही जवाब देके। कि स्थिति कैसी भी हो, चाहे बहुत हमारे पास धन धान्य हो या फिर ना भी हो, लेकिन मन से हम
संतुष्ट रहें, खुश रहें, तो इसका भाव ये है। मुबारक हो, आप दोनों के चेहरों पे मुस्कान है, जीत की खुशी है, राइट? आप अपने इस लय को बरकरार रखिएगा। शिवम, आपके लिए प्रश्न। घर में नहीं दाने, बुढ़िया चली भुनाने, इस कमी को दूर करने के लिए कौन सा गुण चाहिए? आपके ऑप्शन है ए सम्मान, बी सहानुभूति, सी सहयोग, या डी सादगी। डी सादगी। डी सादगी, बिल्कुल सही जवाब। टीम शिवम आपका, आपने 20 गुण पुनः अर्जित कर लिए हैं। इसका सुंदर जवाब देके कि सादगी, कहा जाता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, राइट? तो जीवन में जितनी सादगी है उतनी ज्यादा ऊंचाई की ओर हम बढ़ पाते हैं, अन्यथा अपने आप को सजाने संवारने अर्थात बाह्य आडंबर में सजे सवरे लेकिन बाह्य आडंबर से अपने आप को दूर रखें तो जीवन कहीं ज्यादा सुखद होता है। सुंदरम, इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है, इस वाक्य के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए झुंपा लहरी, बी चाणक्य, सी महात्मा बुद्ध, या डी अरुंधति रॉय। बी चाणक्य। बी चाणक्य, बिल्कुल सही जवाब। टीम सुंदरम आपका 20 गुण आपने अर्जित कर लिए हैं। आपने उस बात को बिल्कुल सार्थक कर दिया कि हम दो कदम हटे इसलिए थे ताकि हम आगे जा सकें। बहुत सुंदर, बहुत बहुत मुबारक आपको कि इस राउंड के अंतिम प्रश्न का बिल्कुल सही सही आपने जवाब दिया है। और यहाँ हमारा ये राउंड संपन्न होता है जिसमें हमने मूल्यों की बातें की, गुणों की बातें की। क्या लगता है टीम शिवम आपको कि यदि मूल्य जीवन में होंगे तो जीवन कैसा होगा? जीवन सरल हो जाएगा और सुघड़ भी हो जाएगा। जीवन जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाती है और लोभ नहीं रहता और जीवन सरलता से और सुंदरता से जी सकते हैं। मूल्य आ जाए तो एक दूसरों के बीच में जो वो घृणा जैसे शब्द होते हैं, ईर्ष्या जैसे, वो नेगेटिव शब्द हट जाएंगे और जीवन सरल सुंदर और सुघड़ बन जाए। तब तो सभी को इसकी ओर बढ़ना ही चाहिए। Yes, क्योंकि आज तनाव है, डिप्रेशन है, आपस में कटुता है और ये सब चीजें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। और हम मूल्यों की बात इसीलिए करते हैं कि ये सब चीजें यदि आ जाए जीवन में, जीवन सच में कितना आनंद से भर जाएगा। चलिए अब बारी है ये जानने की कि किस टीम ने कितने कितने गुण अर्जित किए हैं। टीम सत्यम, आपने अर्जित किए हैं 40 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो। टीम शिवम, आपने भी 40 गुण अर्जित किए हैं, मुबारक हो आपको। और टीम सुंदरम, आपने 20 गुण अर्जित किए हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मूल्य सचमुच हमें मुस्कुराना सिखाते हैं, आगे बढ़ना सिखाते हैं। इन मूल्यों को आगे लेकर के जाइएगा और औरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। और मित्रों, आप तक पहुंचते हैं आप, आपका प्रश्न लेकर। आपको इंतजार रहता है हमेशा कि हमारी बारी कब आएगी, राइट? आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं और इन प्रश्नों का आप भी भरपूर आनंद लेते हैं, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। लेकिन व्यवस्थित रूप से आप तक हम एक प्रश्न हमेशा पहुंचाते हैं और इस बार का प्रश्न है मित्रों, केरल में प्री मानसून को किस नाम से पुकारा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए कोकोनट शावर्स, बी मैंगो शावर्स, सी बनाना शावर्स, या डी ऑरेंज शावर्स। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है मित्रों। मानसून का हम सबको इंतजार रहता है, केरल वाले भी जब पहले मानसून वहाँ प्रवेश करता है तो उसे एक सुंदर से नाम से पुकारते हैं। नीचे आप जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं उस पे आप हमें अपना उत्तर मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके उत्तर का हमें भी सबसे से इंतजार रहेगा। और मित्रों, अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की ओर जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। और ये राउंड सचमुच हमें बहुत गर्व महसूस कराता है अपने भारतीय होने पर, कि एक ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जिस देश में गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, सारी नदियां
जो हमारी पालना करती हैं, और एक ऐसा देश जो ऋषि मुनियों का देश रहा है, एक ऐसा देश जहां इतनी सारी विविधता होते हुए भी हम सब एक होके रह पाते हैं। आइए अपने पार्टिसिपेंट से जानते हैं कि कौन सी बात उन्हें प्राउड फील कराती है भारतीय होने पर। सुंदरा, कल्चर, भारतीय कल्चर, उसमें भी खास क्या? बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स है पर हम लोग एक साथ रह रहे हैं। जी जी जी, ये हमें प्राउड फील कराता है कि इतनी विविधता में एकता तो केवल भारत में ही हो सकता है। तो इस राउंड की शुरुआत से पहले मैं इसके रूल्स आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें हर टीम को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप ओम शांति बोलकर अगले प्रश्न पर जा सकते हैं। हर सही जवाब के लिए आपको 20 गुण प्रदान किए जाएंगे, गलत जवाब के लिए कोई भी अंक या गुण नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है नियम? तो शुरू करें ये राउंड आप लोगों के साथ सारे जहां से। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, राइट। तो चलिए टीम सत्या, आपसे शुरू करेंगे अपने इस दूसरे राउंड को। आपका समय शुरू होता है अब। भारत में भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। सही। कौन से खेल में भारत ने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? ओम शांति। हॉकी। 1857 का विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ? 10 मई। सही। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? ओम शांति। डूरंड कप। भारतीय क्रिकेट में लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? सही। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? ओम शांति। चेन्नई। और यहाँ आपका समय भी पूर्ण हुआ टीम सत्यम, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आप लोगों का। संतुष्ट हैं? यस सर। बहुत सुंदर, आपकी संतुष्टि आपके जीवन में सदा कायम रहे और बेहतरीन प्रयास करते हुए आगे बढ़ते चले, ऐसी शुभकामना है। अब बारी टीम शिवम, आपकी धड़कनें बढ़ तो नहीं गई हैं? नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी कूल और काम रहें तो हमारा प्रदर्शन बहुत सुंदर होता है। तो तैयार है? जी। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। टीम शिवम, आपका समय शुरू होता है अब। अंतरराष्ट्रीय तैराकी मैराथन जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताएं। अर्चना पटेल। भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सही। पोंगल भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? केरल। तमिलनाडु। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? अमृतसर। सही। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। भारत की प्रथम रबर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? बरेली, उत्तर प्रदेश। सही, बरेली उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही सही जवाब। और यहाँ आपका समय टीम शिवम पूरा हुआ, लेकिन बहुत शांति और धैर्यता से आप लोगों ने खेला, अपना टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, ओम शांति बोलने में देरी नहीं की आप लोगों ने। टीम सुंदरम, दोनों टीमों को खेलते हुए देख कर कैसा लगा आपको? एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस। तो चलिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। प्रथम भारतीय महिला रेल चालक का नाम बताएं। सुरेखा यादव। सही। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? ओम शांति। नासिक। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या? 25। सही। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। सही। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ओम शांति। सैडल चोटी। और चलिए यहाँ आपका समय भी पूरा होता है, आप लोगों ने भी बहुत ही अच्छी तरह से इस राउंड को खेला है सुंदरम, और रियली लगता है कि देश के बारे में जब हम इतनी सारी बातें जानते हैं तो गर्व महसूस होता है। जो प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा था कि भारतीय होने का गर्व हम क्यों फील करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं जो हम सबको प्राउड फील कराती हैं, राइट? Yes. चलिए तो इस राउंड की समाप्ति के पश्चात अब पुनः बारी आ जाती है ये जानने की कि पहले और दूसरे राउंड को मिला करके आप लोगों ने कितने कितने गुण अर्जित किए हैं। टीम सत्यम, आपने अर्जित किए हैं 100 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। टीम शिवम, आपने भी अर्जित किए हैं 100 गुण, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और सुंदरम, आपने भी अर्जित किए हैं 100 गुण, बहुत बहुत मुबारक हो। तीनों ही टीमों ने 100-100 गुण अर्जित किए हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं आप लोग, राइट? और इससे लगता है कि सचमुच आज बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन आज वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि इस गेम शो को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन कल आप लोगों के साथ पुनः दो राउंड हम खेलेंगे, जिसके बाद
हमें हमारा विजेता प्राप्त होगा। तो बहुत ही टफ है कॉम्पिटिशन, इसे तैयारी भी बहुत अच्छी आप लोग जरूर करें। ढेर सारी शुभकामनाएं कल के लिए आप सभी टीमों को। तो मित्रों, ये थे गुजरात के हमारे पार्टिसिपेंट्स, जो सचमुच पूरे उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस क्विज शो में आए हुए हैं और बहुत मिठास के साथ हरी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जीवन में कितनी सुंदर धारणाएं हैं कि यदि मूल्य हैं तो व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता, आगे ही बढ़ता रहता है। और जिसकी बात आज हम लोग कर रहे थे, मिठास की ही बात मैं आज आप लोगों के पास छोड़े जाऊंगा। मित्रों, कहते हैं कि वाणी जो है सचमुच व्यक्ति को या तो तख्त दिला देती है या तख्ते पर चढ़ा देती है। कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, लेकिन हम कोयल को पसंद करते हैं। यदि आप महाभारत देखें, रामायण देखें, तो वाणी ही ऐसी थी जिसने पूरा ही स्वरूप बदल दिया। यदि द्रौपदी ने ये नहीं कहा होता अंधे की औलाद अंधे, तो शायद महाभारत कुछ और होता। तो क्यों ना हम कोयल की तरह मीठे बने। मित्रों, अपनी वाणी से दूसरों को सुकून प्रदान करें, दूसरों का सम्मान करें, दूसरों को सांत्वना दें, आगे बढ़ाने की भावना हो हमारी वाणी में। यदि ऐसा होगा तो आपका खर्च तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आप संसार के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। तो क्यों ना संसार के सबसे अमीर आदमी बने अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को मिठास बांटते हुए। तो खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कान लाते रहिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। मैं ये चीज जानता हूँ कि मेरी आवाज बहुत छोटी है और ये दुनिया बहुत बड़ी, पर मैं ये भी जानता हूँ कि घर में छोटे बच्चों की आवाज ज्यादा सुनाई देती है।